आज के इस वीडियो में देखेंगे आप आईडी वेरिफिकेशन कैसे करें। गूगल का एडसेंस अकाउंट है अगर आपके पास तो आप उसका आईडी वेरिफिकेशन कैसे करें। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में आपका जो है आपने मोनेटाइज कर लिया है, मोनेटाइज करने के बाद आपका जो है $10 से ऊपर हो गया है तो आपको आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपका पिन जो है आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। तो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और क्या प्रोसेस है आईडी वेरिफिकेशन का। तो सारा डिटेल जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं गूगल एडसेंस का। देखिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ। देखिए मेरा चैनल खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए मेरा जो है $15.32 यहाँ पे दिख रहा है और मेरा अर्निंग जो है $15.32 हो गया है। मीन्स $10 से ऊपर होना चाहिए तब आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका पिन जो है आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। तो मैं अभी जो है आईडी वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि मेरा जो है $10 से प्लस हो गया है, इस कारण से मैं अभी आईडी वेरिफिकेशन करूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको आईडी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं और गूगल के एडसेंस अकाउंट में चलते हैं। देखिए मेरे ईमेल पे भी एक मेल आ चुका है। तो देखिए मुझे एक मेल मिल चुका है, यहाँ पे देखिए यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखा हुआ यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन, नहीं तो आप गूगल का जो है एडसेंस अकाउंट उसे ओपन कर लें। तो मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने जो है पहले से लॉगिन करके रखा था गूगल एडसेंस अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए देर आर इशू विथ योर पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए मेरा जो टोटल अर्निंग दिखा रहा है $4 दिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है इस कारण से। और यहाँ पे मैं अभी जो है आईडी वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई नाउ पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको जो अपलोड करना है एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इंडिया का पासपोर्ट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड को दोनों तरफ को स्कैन करके या फोटो क्लिक करके आपको एक साइड में करना पड़ेगा। और इंडिया का पासपोर्ट सिर्फ फ्रंट एक पेज से ही हो जाएगा और पैन कार्ड का जो है फ्रंट कॉपी से हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी जो है पैन कार्ड ही अपलोड करूंगा क्योंकि फ्रंट का ही हुआ, इस कारण से मैं अभी पैन कार्ड को अपलोड करूंगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ पैन कार्ड को। तो मैंने पैन कार्ड को अपलोड कर दिया, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आप बार बार इसको जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हर बार आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक मेल आएगा, मेल के द्वारा आप उसको जो है मेल में सेंड करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 वीक या 10 डेज या 15 डेज भी लग सकता है। वो कोड आता है वेरीफिकेशन कोड एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो वो कोड आएगा, उसके बाद मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे होता है गूगल एडसेंस का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।